मुरलीगढ़ गांव में बदमाशों ने कोरामा के पूर्व पैक्स अध्यक्ष अनुज प्रसाद एवं उनकी पत्नी बेबी देवी को मारपीट कर किया जख्मी। हम आपको बता दें कि चिकसौरा थाना क्षेत्र के मुरलीगढ़ गांव में बदमाशों ने कोरामा पंचायत के पूर्व पैक्स अध्यक्ष अनुज प्रसाद की पत्नी बेबी देवी को मारपीट कर जख्मी कर दिया है। दोनों को इलाज के लिए हिलसा के अनुमंडलीय अस्पताल में लाया गया है। रविवार को हिलसा अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के दौरान पूर्व पैक्स अध्यक्ष अनुज प्रसाद ने बताया कि उसके ही परिवार में वर्षों से विवाद चला रहा, उसी को लेकर मारपीट किया गया है। फिलहाल उन्होंने बताया कि बेबी देवी उनकी पत्नी के द्वारा चार लोगों के विरुद्ध चिकसौरा थाना में आवेदन दिया गया है। चिकसौरा पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी है। हिलसा अनुमंडलीय अस्पताल में आए हैं, क्या हुआ? मेरे साथ, मेरे पत्नी के साथ मारपीट किया गया है। कब की घटना है? घटना 23/7/2022 को रात्रि 10:30 बजे की घटना है। हम खेत पटा रहे थे तो मेरा पत्नी घर में थी। जब पत्नी बाहर में हल्ला सुना तो गेट खोल के निकला तो देखा कि हमको सब मिल करके, जैसे भोली, राजेश, विजय और संजीव और उसका दो बेटा, विजय का है जो सिंटू और गोलू करके हमको मार पीट रहा था। ये हल्ला किया तो हमको छोड़ करके घर में घुस गया, इसको झोंटा पकड़ के पटक दिया, पटक करके संजीव कुमार ने इसका ब्लाउज फाड़ दिया। थाना में आवेदन भी दिए। क्या नाम हुआ? हाँ, थाना में आवेदन दिए, बेबी देवी के नाम से जा करके दोनों पति पत्नी आवेदन दिए। आवेदन पर 10:30 बजे से 2:30 बजे तक बैठे रहे। थाना प्रभारी अपना रूम में जाके सो गए। फ़ोन भी किए बाकी थाना प्रभारी मथी रूम से बाहर निकल के नहीं आए। 2:30-3 बजे मैं अपना वापस घर आए, आकर के आज अनुमंडलीय अस्पताल में पति पत्नी दोनों अपना मिल करके इलाज करवाने के लिए।